राधे राधे एवरीवन, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और भाई, जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को मक्खन का भोग लगाया जाता है, तो मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बिल्कुल फ्रेश मक्खन बनाती हूँ, और वो भी सिर्फ 1 मिनट में। तो अभी सुबह सुबह ही मैंने ये 1.5 किलो दूध गर्म कर लिया था, 1.5 किलो दूध उबाल के और फ्रिज में रख दिया। उसके 3-4 घंटे के बाद देखिए एक मोटी सी मलाई इसमें से निकली है। इस मलाई से ही मैं लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन बनाऊंगी। और हमें कोई रई नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई मिक्सी वगैरह नहीं चाहिए है, बस मत से ही हमें इसे फेंटना है। और देखिए, ना तो मैंने इस वीडियो की स्पीड बढ़ाई है और ना ही इसको कट किया है। आप देखेंगे कि बिल्कुल 1 मिनट में ही हमारा जो मक्खन है वो बनके तैयार हो जाएगा, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो बस आपको उल्टे सीधे इसे मथना है, एक ही साइड नहीं मथना है कि आप चाहो कि आप क्लॉकवाइज ही इसको घुमाते रहो, नहीं, आपको उल्टे सीधे सब दिशा में इसको मलाई को फेंटना है। और जैसे ही आप मलाई को फेंटेंगे ना, तो 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा और मक्खन बन जाएगा। तो देखिए, अभी आपको मलाई थोड़ी थिक लग रही होगी, अभी इसमें से मक्खन, तो मतलब आपको लग रहा होगा कि मक्खन बन गया, लेकिन अभी नहीं बना है, थोड़ी लस्सी अलग होगी इसमें से ना। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और फेंट लेंगे। और पहले जब मैं मक्खन बनाती थी तो ग्राइंडर यूज़ करती, कभी मिक्सी यूज़ करती, उसमें बहुत ज़्यादा झंझट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप चम्मच से इस तरह से फेंट के बनाते हैं तो बिल्कुल फ्रेश मक्खन 1 मिनट से कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है। और लड्डू गोपाल जी के लिए तो जब भी आप मक्खन बनाए ना, तो बासी मलाई ना लें, बिल्कुल फ्रेश मलाई लें। और देखिए, ये आप इस तरह से मथेंगे ना, तो इसका जो लस्सी है, जो खट्टापन है, वो निकल जाएगा, जो छाछ होती है ना वो अलग हो जाएगी। और जब ये छाछ अलग हो जाए तब आप समझ लें कि अब मक्खन बन गया है। तो अभी हमारा जो मक्खन है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल मिनटों में ही आप मक्खन इस तरह से बना लेंगे। और आप चाहें तो आप दही जमा के और तब मक्खन निकाल सकते हैं। मैं तो ऐसे ही मलाई से अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन बना देती हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन इसी तरह से मक्खन बना के लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगा देते हैं। बिल्कुल 1 मिनट में लड्डू गोपाल जी के लिए बिल्कुल फ्रेश माखन बन के तैयार हो गया है। मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन इसी तरह से बनाती हूँ, आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताना। और हाँ, कल जन्माष्टमी है तो फटाफट से तैयारियां कर लीजिए, नहीं तो कल बहुत ज्यादा भाग दौड़ हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।